Hello everyone. Okay, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, सो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस समय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं. जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता है अभी अनअकैडमी के बारे में, सो मैं बता दूं कि जो नए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो नेक्स्ट जून के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, सो उनके लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है. और यहाँ पर आप देखिए, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, सिलेबस बेस्ड पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो आपको मिलेगा. और साथ ही में वीकली क्विजेज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है, एवरीथिंग सब कुछ मिलने वाला है आपको इस प्लेटफॉर्म पर. और सोशियोलॉजी से रिलेटेड NTA UGC NET की तैयारी के लिए पूरे अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वन टाइम में, तो आपको पूरे के पूरे NTA UGC नेट के पूरे प्लेटफॉर्म का आपको मिल जाता है एक्सेस, और आप पढ़ सकते हैं पेपर फर्स्ट एंड सेकंड भी. सो आप मेरे रेफरल कोड का अगर यूज करते हैं, जो कि शालिनी _ मिश्रा और शालिनी सोशियो है, सो आपको 10% का ऑफ भी मिलता है. तो ये बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जरूर इसको ज्वाइन करिए. आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो MCQs हैं. सो तैयार हैं आप सभी लोग? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? कार्ल मार्क्स, इमैनुअल दुर्खिम, ऑगस्ट कॉन्टे एंड मैक्स वेबर. हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड सोशियोलॉजी एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के रूप में किसने डिफाइन किया है सोशियोलॉजी को, जो डेफिनेशन दी है इमैनुअल दुर्खिम ने, है ना? इमैनुअल दुर्खिम. सो इमैनुअल दुर्खिम ने क्या कहा? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है. प्रतिनिधानों का विज्ञान है. कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. तो इनका कहना क्या है कि हर कोई भी समाज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अपने कुछ उसके विचार होते हैं, उसकी कुछ भावनाएं होती हैं, जिन्हें एक परमानेंट, उसको एक फॉर्म देने के लिए, उसको एक रूप देने के लिए समाज के सदस्य, जो मेंबर ऑफ सोसाइटी है, हमेशा
हमेशा एफर्ट करते रहते हैं, है ना। जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारे विचार विचार हैं, जो भी हमारी आइडियोलॉजी है, सब पर धीरे धीरे सामूहिक चेतना पर आधारित यही विचार अथवा काम करने का जो तरीका है हमारा, समाज की हमारे विशेषता बन जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। और इसी विशेषता को, इन्हीं सारी विशेषताओं को दुर्खिम ने क्या कहा, सामूहिक प्रतिनिधा यानी कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कुछ ऐसी हमारी हमारे आइडियाज हैं, कुछ ऐसे हमारे वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे हमारे फीलिंग्स हैं जो सामूहिक रूप से, जो कलेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं चीजों को, क्योंकि ये समाज के संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए इसे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहा गया, सामूहिक प्रतिनिधित्व कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। मैकाइवरन पेज, किम्बॉल यंग एंड डब्ल्यू एफ ऑकबर्न, हेनरी चौहान एंड किंग्सले डेविस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड दैट कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ कोहेरेंस। मैकाइवरन पेज, किम्बॉल यंग एंड ऑकबर्न एंड हेनरी चौहान एंड किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस, अच्छा किंग्सले डेविस का नाम यहाँ पे आ रहा है। देखो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मतलब या एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब, आप समझते हैं कि क्वेश्चन तो आंसर तो एक तो आंसर कोई होगा ही, जाहिर सी बात है, अगर आपने आपको पता है आपने दिया वो आंसर, दैट इज वेरी गुड। हिंदी नहीं समझ आ रहा है, हाँ इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, आंसर करिए, डू आंसर इन इंग्लिश। सो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो होगा आंसर, मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज ने डिफाइन किया है कम्युनिटी को कैसे, अ कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क बाय सम डिग्री ऑफ कोहेरेंस। ठीक है, किंग्सले डेविस, अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, किंग्सले डेविस की एक जो भी बुक है इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर है ना पूछी जाती है सोशियोलॉजी में, कौन सी बुक है, बुक नेम ऑफ किंग्सले डेविस, आंसर करिए, आंसर यस नो में भी हो सकता है, जरूरी नहीं यस में ही आंसर हो, आपको पता है तभी आप आंसर करने वाले हो, नो अगर नहीं बताया तो फिर आप ये भी बोल सकते हो नहीं पता, डोंट नो। किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी इनकी बुक का नाम है। ह्यूमन सोसाइटी, मैंने बोला था कि कल कुछ मैं बुक्स के नाम नोट करवाने वाली हूँ, तो खैर यहाँ पर आप देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है, हाँ ह्यूमन सोसाइटी है, किंग्सले डेविस की बुक का नाम है। ओके सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा का प्रतिपादन को प्रतिपादन किया है। कोजर, अनिवार्यतः समन्वित संघ, कोजर है, डारेंडाफ, कॉलिंस एंड मार्क्स। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, कोजर, डारेंडाफ, कॉलिंस एंड मार्क्स।
इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन की बात करते हैं डारेंट ऑफ। ओके, एंड यहां पे क्वेश्चन ये है कि सिमिल एंड कोजर ने भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस किया है, कॉन्फ्लिक्ट के किस फॉर्म को लेकर के वो डिस्कस करते हैं। इन विच फॉर्म ही डिस्कस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल है, इन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी के लिए फंक्शनल भी है। अच्छा, होता क्या था पहले उसके कि कार्ल मार्क्स ने जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि जो संघर्ष है ये जो ये कहीं ना कहीं एक एक निगेटिव फॉर्म में ही देखा जाता रहा, लेकिन कोजर एंड सिमिल ऐसे जिन्होंने फंक्शनल बताया सोसाइटी के लिए, कहा कि एक पॉजिटिविस्टिक वे बताया इसका, मतलब पॉजिटिव वे में भी इसको बताया, सिर्फ नेगेटिव सेंस ही नहीं, इसका पॉजिटिव सेंस भी देखा जा सकता है, पॉजिटिव वे में भी इसको देखा जा सकता है कि सोसाइटी के लिए फंक्शनल भी है। कोजर एंड सिमल, पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे जाना जाता है लोकरीति। हाँ, लोकरीति, लोकाचार, मॉरेस, फोकवेज, नॉर्म्स एंड सैंक्शन। लोकरीति, लोकाचार, मानदंड और संस्वीकृति, पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स आर एसोसिएटेड विद रोल एक्सपेक्टेशंस, दैट इज नोन एज मॉरेस, फोकवेज, नॉर्म्स एंड सैंक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही बहुत माइन्यूट से अंतर होते हैं, तो इन डिफरेंसेस को जानना बहुत जरूरी है। सो यहां भी मैं क्वेश्चन पुट अप करने वाली हूं आप लोगों से। फोकवेज है ना, फोकवेज किसे कहेंगे, व्हाट इज फोकवेज? लोकाचार, नहीं असरफी, यहाँ पे नॉर्म्स नहीं होगा, यहाँ पे जो फोर्थ सैंक्शन है वो आंसर होगा, संस्वीकृति, सैंक्शन है ना। फोकवेज क्या है बता सकते हैं? चलो ये होमवर्क टाइप का हो गया आपके लिए, फोकवेज मैं कल पूछने वाली हूँ। मोरेस, फोकवेज, नॉर्म्स एंड सैंक्शन, इन सब के बारे में आप लोग तैयार करके रखिएगा, मैं पूछूंगी, ठीक है? या तो स्पेशल क्लास में अगर आप आते हैं तो वहां पे मैं पूछने वाली हूँ, या फिर अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पूछूंगी मैं, जो सोसाइटी के द्वारा मान्य है, डेली लाइफ के बिहेवियर जो होते हैं, यस, लोक रीतियां जो हमारी है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा फोर, ऑप्शन फोर होगा आंसर, सैंक्शन, ठीक है, मींस संस्वीकृति, जो कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जहां से एसोसिएट करते हैं विद रोल एक्सपेक्टेशन, जिस तरीके से रोल आप निभा रहे हो उसी तरीके से, अगर आप गलत काम कर रहे हो जाहिर सी बात है आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, जो रोल आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नहीं आप निभा रहे हो, तो फिर आपको
पनिशमेंट मिलेगा, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आइडियल टाइप का काम कर रहे हो, तो फिर आपको उस तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द लिस्ट, और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड मीनिंग है। तो देखिए, समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, जाति, साझा मूल्य, श्रमिक संघ और हम की भावना, इसको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं, इंग्लिश में भी है यहाँ पर, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड कल्चर। यहाँ पे ही आप देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिक्स हो गया है। चलिए कम्युनिटी में ही वी फीलिंग है, यस। संस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जाति यानी कास्ट से रिलेट करेगा, तो आपका जो ऑप्शन सी है वही आंसर होगा, यस। सॉरी, हाँ, ऑप्शन थ्री है, वही आंसर होगा। कम्युनिटी में वी फीलिंग है, संस्था, जाति, संघ की बात करते हैं जब हम, एसोसिएशन या समिति, तो यहाँ पर होगा श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन, एंड कल्चर की हम बात करें तो साझा मूल्य है, शेयर्ड वैल्यूज है। सो ऑप्शन थ्री होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक और आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः परिस्थिति और संविदा की अवधारणाओं का उपयोग किया है? आर लिंटन, हेनरी मेन, आर के मर्टन एंड एस एफ नाटे। परिस्थिति और संविदा को समझने की कोशिश की है, ये अवधारणाओं का उपयोग किया है पारंपरिक और आधुनिक समाजों को समझने में। सभी के आंसर आ गए। यहाँ पे जो आंसर है वो होगा टू, हेनरी मेन। ट्रेडिशनल और जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी है उसको समझने के लिए परिस्थिति और संविदा, ठीक है। देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी है ये क्वेश्चन, इसको यहाँ पे भी देख लीजिए। स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात कौन करता है इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज रेस्पेक्टिवली। सो ये है आपके हेनरी मेन, ठीक है। ऑप्शन टू होगा आंसर, हेनरी मेन। अच्छा, स्टेटस से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि की स्टेटस की बात किसने की है, की स्टेटस, मूल परिस्थिति।
टॉक अबाउट की स्टेटस. E.T. Hiller. की स्टेटस मुख्य मूल जो परिस्थिति है, मूल परिस्थिति की बात करते हैं. E.T. Hiller. मास्टर स्टेटस की बात कौन करता है? मास्टर स्टेटस प्रमुख स्थिति, प्रमुख परिस्थिति. बेस स्टेट, मास्टर स्टेटस. एक बार फिर से देख लीजिएगा, मास्टर स्टेटस की बात कर रहे हैं जो आपके एवरेट ह्यूज है. ठीक है, एवरेट ह्यूज. चलो कुछ और चीजों को भी देखते हैं. एसएफ नाडेल जब रोल की बात करते हैं, नाडेल, एसएफ नाडेल है ना, रोल के बारे में बात करते हैं तो कितने टाइप के रोल बताते हैं, उन्होंने कैसे डिवाइड किया है रोल को. एसएफ नोडल ने रोल को कैसे डिवाइड किया, भूमिका को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में? नहीं, दो भागों में. इन्होंने रिलेशनल रोल की बात की है, संबंधात्मक भूमिका, और दूसरा इन्होंने बात की है नॉन रिलेशनल रोल की, गैर संबंधात्मक भूमिका. ठीक है, पहला इन्होंने बताया एंड दूसरा इन्होंने बताया गैर संबंधात्मक भूमिका. जरूरी है ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बट क्लियर होनी चाहिए. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किया नाडेल ने, दो टाइप के, संबंधात्मक भूमिका, रिलेशनल रोल एंड नॉन रिलेशनल रोल.
दो टाइप के रोल बताए। कुछ रोल ऐसे हैं जो रिलेट करते हैं, कुछ रोल ऐसे होते हैं जो रिलेट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है पूछती रहूं या फिर क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं, बोलो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो, तो देखिए सिक रोल की बात कौन करता है, सिक रोल। यहाँ पर चीजें आप लोगों की रिवाइज हो जाएंगी, है ना, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। सो सिक रोल, रोगी भूमिका, सिक रोल की बात कौन करता है, पार्सन्स। वेरी गुड, ये है पार्सन्स, इस बार पकड़ लिया। रोगियों की भी भूमिका होती है, अपने रोगियों का भी रोल होता है, सिक रोल। हाँ, पार्सन्स ने वेस्टर्न कंट्रीज में स्टडी किया और विशेष रूप से इन्होंने यूएसए का के बारे में इन्होंने जो अपना वर्क किया, उन्होंने लिखा कि ऐसे व्यक्ति जो बीमार हो जाते हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और वो जाहिर सी बात है फिर और लोगों से कट जाते हैं। तो ये जो रोल है ये सिक रोल है। उस वो बीमार जो सिक पर्सन है वो तो क्या करेगा, फिर उसको फिर से अपने नॉर्मल रूटीन में आने के लिए कुछ समय लगता है। इसके जस्ट अपोजिट बीमार, अब जैसे मान लिया यूएसए में आप देखिए वहां का ट्रेंड क्या है, वहां का ट्रेंड ऐसा है कि अगर बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, तो लोगों की अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो चल रही है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डिस्टरबेंस नहीं है। बाकी उसका जो जो सिक है, जो बीमार है, वो उसका अपना अलग ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। अब इसके अपोजिट अगर हम देखें, अगर इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए गलती से भी, अगर बीमार हो गया, तब वो क्या चाहता है कि लोग उसके आसपास रहें, लोग उसके आसपास बैठे रहे। और वो जो सिक पर्सन है ना, अपने भारत की बात कर रही हूँ, अगर सिक पर्सन है और फिर वो चाहे जितना भी बीमार हो, उसको ये सारी चीजें याद रहती है, कौन उसे देखने आया है, कौन उससे मिलने आया है, कौन उससे मिलने नहीं आया है, सब कुछ याद रहता है। जो लोग नहीं आते ना वो ठीक हो जाएंगे, फिर हिसाब किताब करते हैं फिर आपसे। तो मतलब एक रोल निभाने की जो बात की, मतलब एक ये भी एक रोल है पार्सन्स के अकॉर्डिंग, रोगी भूमिका, जो कि आप देखिए कि यूएसए में अलग तरीके से निभाई जाती है, हमारे इंडिया में अलग तरीके से निभाई जाती है। इंडिया में निभाने का जो तरीका है ना, वहां पर भी चाहे कितनी भी बीमारी की हो हालत, उसमें भी याद रखना है कि हाँ ये मिलने आए थे, ये नहीं मिलने आए थे, ठीक हो जाएंगे, फिर देखते हैं, अब हम भी देखते हैं क्या करना है तुम्हारा। तो ऐसा नहीं होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में उनका अलग अपना रोल होता है, अपने स्टाइल से वो पूरा जब एकदम ठीक हो जाते हैं उसके बाद में फिर से नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, और उन्हें कोई ऐसी शिकायत ऐसा नहीं होती, वो अपना अलग तरीके से उनका लाइफ स्टाइल। तो ये सब चक्कर है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं रोल नेटवर्क। रोल नेटवर्क किसे कहेंगे, नोडल के अनुसार कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे रोल होते हैं जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं और जिनके कैरेक्टर में भी कुछ ऐसे सिमिलरिटी हमको दिखाई पड़ती है, समानता दिखाई पड़ती है। जैसे वकील हो गए, जज हो गए, और साथ ही साथ में जो और वहां पे लोग बैठे होते हैं, सो उनके जो रोल होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इन रोल्स की जो
खास बात है वो ये है कि इन सबों में कानून की बात समान रूप से मौजूद है, कॉमन सी चीज है, लॉ यहाँ पर एक कॉमन चीज है। फिर एक और आता है, हाँ फिर आता है भूमिका अक्षमता, रोल हैंडीकैप। रोल हैंडीकैप की बात कौन करता है? भूमिका अक्षमता या भूमिका विकलांगता। भूमिका विकलांगता की बात कौन करता है? So, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है HD किर्क। HD HD किर्क ने रोल हैंडीकैप की बात की है, यानी भूमिका विकलांगता। भूमिका विकलांगता क्या है और इनकी बुक का नाम क्या है? HD किर्क की बुक का नाम क्या है? हाँ इनकी बुक का नाम है शेयर्ड फेट A theory of adoption and mental health, ये HDK की बुक का नाम है। सो ये हो गया भूमिका विकलांगता यानी रोल हैंडीकैप। इन्होंने ये इस कॉन्सेप्ट पे बताने की कोशिश की है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को निभाने में सक्षम नहीं होता है, जब वो अपनी भूमिका को ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहा है, अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, फिर भी उस वो काम को करता है तो उसे भूमिका विकलांगता कहा जाता है, रोल हैंडीकैप कहा जाता है। जैसे किसी डॉक्टर को इलाज करना नहीं आ रहा है फिर भी वो इलाज कर रहा है तो उसकी भूमिका विकलांगता है, मतलब वो बहुत परफेक्ट नहीं है फिर भी वो अपना काम कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं, मतलब भूमिका विकलांगता या रोल हैंडीकैप का जो खास अर्थ होगा वो ये होगा कि एक पर्सन को किसी एक भूमिका को निभाने में वो कैपेबल नहीं है, उसके बावजूद वो अपना भूमिका वो निभा रहा है। चलो यहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई रिलेटेड टू रोल एंड स्टेटस। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका ये तर्क है कि सम्मान को विशिष्ट सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में प्रस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है? राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, SF नाडेल एंड AK रोसी। Who has argued that status group can be identified in a term of a specific positive or negative social estimation of honor? Ralph Linton, Max Weber, SF Nadel and A.K. Rossi.
यस सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा कि सम्मान को विशिष्ट सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में प्रस्तुति समूह की पहचान की जा सकती है। सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधीय के रूप में किया है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, मोडॉक एंड सी लेविस ट्रॉस। सामाजिक संरचना का जो सिद्धांत दिया गया, सोशल स्ट्रक्चर की थ्योरी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें इंग्लिश में। Who has classified roles as a pivotal, sufficiently relevant and preferred in his theory of social structure? रेडक्लिफ ब्राउन है, शेफ नाडेल, मोडॉक एंड लेविस्ट्रॉस। सो आंसर इज टू, यस। ऑप्शन बी, एसएफ नाडेल बात करते हैं। भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत और पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधीय के रूप में किया है इन्होंने, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में। ठीक है, हाँ, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये इनकी बुक है। नॉडल के बारे में अभी मैंने बताया आपको कि इन्होंने भूमिका के जो दो प्रकार बताए, टू टाइप्स ऑफ रोल, वो किस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया है भूमिका को, रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द लिस्ट। यहाँ पे कुछ राइटर्स नेम है एंड उनके साथ में देखिए कुछ बुक्स नेम है साथ में। सिमेल है, कूले, फर्थ एंड होमस। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, द ह्यूमन ग्रुप्स एंड ह्यूमन टाइप्स। ए बी सी डी और ये आपके ऑप्शन ओके। तो यहाँ पे आंसर सिर्फ देखो, आंसर बहुत लिमिटेड आ रहा है, फटाफट वाला आंसर करिए, वेट करना पड़ रहा है आप लोगों के आंसर के लिए। जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा लाइव आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, मेरे ख्याल से उतना। तो देखो, एक वेल नोन है जो ह्यूमंस है, उन्होंने ह्यूमन ग्रुप लिखी है ये बुक, और इस तरीके से आप रिलेट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो आंसर होगा, यस आप लोग एकदम करेक्ट हो, यहाँ पे ऑप्शन वन होगा आंसर। ऑप्शन वन, सो द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ सिमिल की है, सी स्कूले की जो बुक है वो है आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आर फर्थ लिखते हैं ह्यूमन टाइप्स के बारे में एंड ह्यूमन ग्रुप्स के बारे में लिखते हैं जी सी होमन्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, एक बुक है द गोल्डन बॉक्स, गोल्डन बाउ, ये किसकी बुक है बता सकते हैं? यस और नो? सो
नो, ये है आपके फ्रेजर, ठीक है, फ्रेजर की बुक है द गोल्ड हैंड बुक। व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक के बारे में बात कौन करता है? व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक, हाँ फ्रेजर है, यस, व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। उसको अलग से चीजें मैं पूछ रही हूँ, सो आप लोग आंसर देते रहिए, है ना। हाँ, तो ये मेलेनोस की है जिन्होंने व्हाइट एंड ब्लैक के बारे में बात की है, मैजिक के बारे में, मेलेनोस के। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये किसका कथन है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार है समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करता है? जेम्स फ्रेजर, एमाइल दुर्खीम, रेड क्लिप ब्राउन एंड मेलोनोस्की। हु हैज सेड दैट द फंक्शन ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स इज टू अफर्म द मॉरल सुपीरियरिटी ऑफ द सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स? जेम्स फ्रेजर, एमाइल दुर्खीम, ब्राउन एंड मेलोनोस्की। इस दुर्खीम, दुर्खीम ने कहा है, ये जो स्टेटमेंट है दुर्खीम ने दिया हुआ है कि धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं हमारे, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनका कार्य क्या है, उनके फंक्शन क्या है, समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता को दिखाना होता है, अभिपुष्टि करना होता है। और इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है ये दिया अपनी बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में। फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, तो ये है आपका ऑप्शन बी आंसर, इमाल दुर्खी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभी कथन है, एवर्सन है, एंड दूसरा तर्क है। अभी कथन क्या है? सजाती विवाह आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है। तर्क क्या दिया हुआ है? अधिकांशतः लोग अपनी जात में ही विवाह करना पसंद करते हैं, और ये ऑप्शन है आपके। एजर्सन, इंडोगेमी इज स्टिल प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी, रीजन इज मोस्टली पीपल प्रेफर मैरिज विद इन देयर ओन कास्ट। यस, इज इन सर। हाँ, तो यहाँ पे जो ए है वो होगा आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्टली एक्सप्लेन कर, मोस्टली पीपल प्रेफर मैरिज विद इन देयर ओन कास्ट। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में जो प्रेफरेंस दी जाती है वो ओन कास्ट, मतलब अपनी ही जाति और अपने ही समाज में दी जाती है, नहीं एक्सेप्टेबल है अभी भी बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ये बुक किसने लिखी है? वेबर, स्मिल्सर, पार्सन्स एंड मर्टन। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ये बुक किसकी है? वेबर है, स्मेल्सर, पार्सन्स एंड मर्टन। हु हैज रिटन द बुक सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? वेबर, स्मेल्सर, पार्सन्स एंड मर्टन। सो यस, यहाँ पे जो आंसर होगा वो स्मेल्सर है, नॉट वेबर। पार्सन्स एंड मर्टन, स्मिल्सर इज करेक्ट आंसर, बी, नील स्पेंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. हाँ नहीं, वेबर नहीं है, वेबर नहीं है. इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमी की बात करते हैं वेबर, बट इन्होंने एक सोसाइटी एंड इकोनॉमी कुछ इस तरीके से इनकी बुक है, उसको आप चेक कर लीजिएगा. सो समाजीकरण इसको भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, देखिए यहाँ पर प्रसंस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक प्रसार, संस्कृति ग्रहण और उपर्युक्त सभी. सोशलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड अकल्चुरेशन, कल्चरल डिफ्यूजन, इनकल्चुरेशन एंड ऑल द एबव. सामाजिकरण किसे और भी कहा जा सकता है. एक तो अकल्चुरेशन हो गया, मतलब प्रसंस्कृति ग्रहण, कल्चरल डिफ्यूजन, सांस्कृतिक प्रसार, संस्कृति ग्रहण एंड उपर्युक्त सभी. संस्कृति ग्रहण, इनकल्चुरेशन. यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, यस. संस्कृति ग्रहण भी सम देखते हैं ना, सोशलाइजेशन है क्या, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना. सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस जो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. और सोशलाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बचपन तक ही सीमित है, हमारे चाइल्डहुड तक ही सीमित है, यहीं तक है सिर्फ सोशलाइजेशन की प्रोसेस. नो, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है, बुढ़ापे तक चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है. तो सामाजिक सीख की जो ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग एक सोशल ह्यूमन बीइंग के रूप में हमको दिखाई देता है. मतलब एक तो जब हम छोटे बच्चे के रूप में पैदा होते हैं ना, एक शिशु के रूप में होते हैं, सो हम बायोलॉजिकल बीइंग में ही होते हैं. हमें कुछ भी नहीं पता होता है अपनी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं पता होती, किस तरीके का पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, किस तरीके के वैल्यू आइडियाज क्या क्या है, किस तरीके से हमें अपने सोसाइटी में ग्रो करना है एंड सोसाइटी से इंटरेक्ट करना है, कुछ भी हमें पता नहीं होता है. सो ये सोशलाइजेशन ही है, ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस ही है जो हमको आगे बढ़ाती है, हमें सोसाइटी में रहने के लायक बनाती है, मतलब सोशल बीइंग के रूप में हमें प्रेजेंट करती है सोसाइटी में. तो अगर सोशलाइजेशन की बात की जाए तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस सीखने की जिस प्रक्रिया से संबंधित है उसमें संस्कृति ग्रहण यानी कि इनकल्चरेशन का जो रोल है वो महत्वपूर्ण है. यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इसका रोल, इनकल्चरेशन, संस्कृति ग्रहण. मतलब हम संस्कृति तो सीखते हैं अपनी सोशलाइजेशन के. तो संस्कृति ग्रहण का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति के द्वारा अपनी संस्कृति से रिलेटेड जो नियम है, मूल्य है, सत श्री अकाल वरिंदर कौर, गुड मॉर्निंग. सो कुछ नियम है, मूल्य है, विश्वास है, प्रथा है, परंपरा है, व्यवहार के ढंग है, हमारी भौतिक वस्तुएं जो हमको देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती है. सो हम ये इनकल्चुरेशन मतलब ये जो संस्कृति ग्रहण है उसके थ्रू सीखते हैं. ये सोशलाइजेशन ही है जो जिसके जिसके द्वारा हम ये सारी चीजों को सीख पाते हैं, ठीक है. सो इनकल्चुरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये किसने कहा है कि जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है. आंद्रे बेते, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता एंड एम एस ए राव. जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करता है, परंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ये किसने कहा?
who says caste forms an institutionalized social stratification in Indian society, but principle associated with class also plays an important role. Andhra Bede, Yugendra Singh, Dipankar Gupta and M.S. Rao. So, यहाँ पर जो आंसर है यस टू है. युगेंद्र सिंह ने कहा कि जाति जो है वो भारतीय समाज में हम देख रहे हैं कास्ट जो है अपना रोल तो प्ले कर रहा है ना, संस्थागत सामाजिक स्थिरीकरण का निर्माण करता है. लेकिन जो वर्ग से जुड़े हुए सिद्धांत है इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे भारतीय समाज में. और इन्होंने जो इसी ये जो क्रम बताया इन्होंने योगेंद्र सिंह सोशल चेंज किस तरीके से हो रहे हैं, परंपरागत जो हमारा समाज रहा है जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी रही है उसमें किस तरीके से सोशल चेंज हुए हैं आफ्टर गेट फ्रीडम. सो बहुत सारे चेंज आए हैं तो उसके बारे में बात करते हैं योगेंद्र सिंह. तो योगेंद्र सिंह की जो बुक है मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड वो भी आप देख लीजिएगा एक बार. योगेंद्र सिंह इंपॉर्टेंट है और इनकी बुक हमेशा पूछी जाती है. योगेंद्र सिंह समाजीकरण है. समाजीकरण क्या है? सो किसी समाज के लिए पूर्वापेक्षा a prerequisite for any society, किसी सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य essential to any social life, सामाजिक रूपों का सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्पादन, cultural and social reproduction of social forms and diffusion of culture, संस्कृति का प्रसार. तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आप देख सकते हो. Socialization is prerequisite for any society, essential for any social life, cultural and social reproduction of social forms and diffusion of culture. Mark the correct answer from the quote given below. और ये आपके ऑप्शन है. सोशलाइजेशन में अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सोशलाइजेशन, सो इन वन लाइन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या है सोशलाइजेशन. सो सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस. समाजीकरण एक ऐसी प्रोसेस है प्रसार अलग चीज होती है. प्रसार अलग चीज, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर. ठीक है. सो समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के आदर्श नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है. और ये सीखने की जो प्रोसेस है ये लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ समाज के लिए प्री रिक्वेस्ट भी है, पूर्वापेक्षा भी है, ताकि व्यक्ति भाई व्यक्ति जो समाज जो है एक एक्सपेक्टेशन भी तो रखता है अपने मेंबर से कि आपको ऐसा करना है आपको ऐसा नहीं करना है. तो प्री रिक्वेस्ट भी है, मतलब व्यक्ति जो है वो सामाजिक जीवन जीने योग्य बन सके. सो यहाँ पर आंसर ए बी सी होगा. ठीक है. ऑप्शन वन प्री रिक्वेस्ट फॉर एनी सोसाइटी एजेंशियल टू एनी सोशल लाइफ, जरूरी है किसी सोशल लाइफ के लिए सोशलाइजेशन एंड कल्चरल एंड सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल फॉर्म्स. सो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन वन. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स, फ्रॉयड, पियाजे एंड कूले. कॉग्निटिव है ना, हु हैज गिवन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन? मार्क्स, फ्रॉयड, पियाजे एंड कूले. हाँ, जो ये क्वेश्चन का जिस तरीके से आए है ना क्वेश्चन का आंसर इस बार, सो इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को. सो सोशलाइजेशन के जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसमें आप देख सकते हो जो पियाजे है इन्होंने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस इनकी बुक का नाम है. Not Freud, it's Piaget. Psychology of Intelligence.
ये इनकी बुक का नाम है प्याजे की। सो इसमें इन्होंने ये प्रेजेंट किया है अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। हेलो नैना, सो ये आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। यस, समाजीकरण के किसके सिद्धांत में ये दर्शाया गया है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है? पियाजे, फ्रॉयड, दुर्खिम एंड मीट। Whose theory of socialization indicates that socialization is a process of acquisition of moral and personal identity through family relationship? पियाजे, फ्रॉयड, दुर्खिम एंड मीट। इस बार जो आंसर है आप लोगों का बड़ा वेरिएशन है इसमें। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरेशन ऑफ मॉरल एंड पर्सनल आइडेंटिटी थ्रू फैमिली रिलेशनशिप। मिक्स आंसर हो गया। कोई नहीं, होता है ऐसा। समाजीकरण किसके सिद्धांत में ही दर्शाता है कि समाजीकरण पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नैतिक और वैयक्तिक पहचान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और ये आपके द ईगो एंड द इड एंड द इड ईगो एंड सुपर ईगो की जो बात करते हैं आपके फ्रॉयड, वही हैं जिन्होंने बताया है पारिवारिक संबंधों के माध्यम से। आप लोगों को याद है लिबिडो की बात कौन करता है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं ये फ्रॉइड ने कही हैं जब फैमिली रिलेशनशिप के माध्यम से। फ्रॉइड आंसर होगा। सो अगर आपको यूट्यूब पे क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं तो आपके लिए मैसेज है मेरा कि आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए। अगर आपके पास में ऐप नहीं है डाउनलोड कर लीजिए ये ऐप, लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। और यहाँ पर बहुत जल्दी आपको स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं। हो सकता है कि आप उस पे मैसेजिंग ना कर पाए, इंटरेक्ट ना कर पाए, बट आपके लिए जो एक सेशन चलेगा उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस जो सेट हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी कर पा रहे, आप इंटरेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी आप जरूर उसको देखिए और स्पेशल क्लासेस मेरी जरूर ज्वाइन करिए एक बार, ठीक है? कैसे? अगर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर रहे हो या फिर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उसमें आप स्पेशल क्लासेस मेरी देखिए शालिनी मिश्रा के, रजिस्टर कर लीजिए, आपको मैसेज आ जाएगा। इनरोल कर लीजिएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, आप आराम से स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और प्रैक्टिस सेशन जो दिसंबर 2019 ये जो आपका होने जा रहा है एग्जाम, उसमें अगर आप अपेयर करने जा रहे हो बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। यहाँ पे भी मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग रेगुलर ज्वाइन करिए क्लासेस। टाइमिंग का पता नहीं चलता है, टाइमिंग का हाँ थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। जो कल की टाइमिंग मैं आपको बता दूं, कल शाम की जो टाइम रहे, कल इवनिंग नाइट की टाइमिंग रहेगी 10:05 से, है ना, पीएम। रात की टाइम रहेगी 10:05 से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये सभी लोग सुन रहे हैं, तो ये टाइमिंग रहेगी। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी ज्वाइन कर सकते हैं करिए। वहां पर आप चैट नहीं कर पाएंगे, नहीं एनेबल रहेंगे, अब ये थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हो गई है, बट आप इस चीज का तो मतलब फायदा उठा ही सकते हैं कि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो आप बिना आंसर किए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? आपको तो पता ही रहेगा कम से कम इसका, हाँ ये आंसर है, अच्छा ये क्वेश्चन है। तो आज की क्लास इतनी ही, आज का सेशन इतना ही, नेक्स्ट सेशन फिर में फिर हम लोग फिर से मिलेंगे और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने जहाँ भी आप जानते हैं जो स्टूडेंट हैं जिनको जरूरत है जरूर आप शेयर करिए और ये लिंक, और आप बता सकते हैं कि आप अनअकैडमी
के लिए बता सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। आई थिंक इससे बेस्ट, इससे बेटर जो प्लेटफॉर्म है नहीं मिलने वाला है, जहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें एक साथ मिल रही है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डीप स्टडी करना चाहते हैं, तो प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। यहाँ पे आपको और ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।